18। हेलो गाइस, नो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम शहर से। तो मेरे डैडी के लोग आए टांचर, वो लखनऊ शिफ्ट हो गए। कुछ ही देर में हम लोग निकलने जा रहे हैं। जहाँ हम लोग रहते थे वो वाला होम। और तो अब सामान हम का जा रहा है, ये हमारा इन्वर्टर रखा है। तो चलिए गाइस, तो चलिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं। जय साईनाथ भगवान की जय। तो गाइस, आज गिन्नी बुलंदशहर से जा रही है लखनऊ। ये देखिएगा बुलंदशहर का गिन्नी। बोलो डैडी को, बोलो पीछे बैठ जाओ तब बोलो। अरे नहीं नहीं नहीं, पीछे बैठ जाओ तब बोलूंगी, नहीं पीछे जगह नहीं है बेटा। तो गिन्नी, आपको कैसा लगता था बुलंदशहर में? गंदा। तो आप कहाँ जा रही हो अब? मम्मा लखनऊ। दिखा दूंगी मैं बुलंदशहर को। ये है बुलंदशहर, और बुलंदशहर से अभी हम जाएंगे। ब्लैक वाली ना, अब अपनी ब्लैक वाली बेल्ट भूल गए। अल्ले जाओ बुलंदशहर पुत्र, क्या बाय बुलंदशहर, बाय बाय बुलंदशहर। इसको रख दो, गंदा है ये। तो आपको यादव जी कैसा लगता था यहाँ पर? महागंदा। और यादव जी की बेटी है ये, आपको कैसा लगता था बेटा? किसी ने ये नहीं बोला। अच्छा, चॉकलेट खा लो। अभी नहीं बेटा, खाओगी? अभी नहीं खाओगी। गिन्नी, नानी की बहुत याद आएगी ना हम लोगों को, साक्षी की और नानी की ना। गिन्नी के सारे फ्रेंड, और गिन्नी के सारे फ्रेंड, मैका दीदी है ना, गुनी दीदी, शिवांश। शिवांश मारता जरूर था बट याद बहुत आएगी गिन्नी उसकी ना। शिवांश मुझे अच्छा लग रहा था। दीदी चॉकलेट खाऊंगी। गिन्नी की तीन दवाई हो गई थी ना? हाँ, मतलब सारी हो गई थी। बोला तो हम लोग कहाँ, अलीगढ़ एकदम का। गिन्नी ये लेटी हुई है। अच्छी भी लग रही है इसमें, ऐसे लेटी है नीचे। तो गाइस, हम लोग हाथरस पहुंच चुके हैं, है ना? आप भी कुछ बोलिएगा। और हमारी गिन्नी ये लेटी हुई है, इसको बैठना पसंद नहीं है। और गिन्नी, आप भी कुछ बोलना चाहती हो? बोलो, तगड़ा सा बोल दो। मेरी गिन्नी की आईज में प्रॉब्लम हो गई है, काट लिया ना किसी ने आपको? गिन्नी में हाथ रस दिखा दो थोड़ा सा। ये देखिएगा, बनाना खाओगी? हम तो निकल लिए ऐसा खाने। चिमचिन बोले भैया, चिमचिन है मेरी छोटी सी चिमचिन। 9 बजे गिन्नी ओलो बोलो, ओलो बोलो, ओलो बोलो। राहुल को लेके जरा वो तखत पड़वा दो उसमें। तो बस तो रस का मैंने सब कुछ दिखा दिया। राहुल
नाम बता रही है पूरा। कौन रही है? विनोद पगला। विनोद पगला। अरे नहीं यादव जी क्या बोले, ऐसे नहीं बोले क्या? और ये नहीं बोले तो बहुत मजा आता ना मम्मा के मैरिज में। ये गिर जाएगी, हाँ गिर जाएगी ये, इसको अभी नहीं लगाओ। नहीं सनग्लास लगा के, ये आइस है ना, आइस से प्रॉब्लम है ना, इसलिए और दिक्कत हो जाएगी। हाँ इसको लगा के बेटा, ऐसे नहीं आइस, या तो ये क्लोज कर लो, ये वाली क्लोज रखो। तो गाइस यहाँ से किन्नी के डैडी सूट वगैरह लेते हैं। किन्नी को भूख लग रही है ना, भूख लग रही है ना, वो नहीं देख रही है। गिन्नी बोलो क्या ना गाइस, भूख लग रही है, मैं अब आई हूँ खाने। अरे प्रिया नाराज हो ना, ये इसकी लाइट बंद नहीं हो सकती है, इसकी इसमें जलती है जो। गिन्नी गिन्नी पाती नहीं, खाओ ये खा लो, देखो इसको खा लो, ये अच्छा है देखो।
कितना अच्छा है देखो। हाँ तो भूख लग रही है, गिन्नी को सबसे पहले खिलाओ, बहुत तेज से लग रही है उसको भूख। पहले गिन्नी रखने वाला खिला दो तभी मैं क्लोज करूंगी, देखना। ओ हो, अब तो नहीं लग रही गिन्नी। लेने गए डैडी, आप बहुत परेशान कर रही है ना डैडी को। सो रही है। ओके तो गाइस वो है उसके डैडी। यादव जी कुछ बोलना चाहते हो? थोड़ा बहुत बोलिए कुछ। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं आगरा से लखनऊ और संभवतः 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना शानदार एक्सप्रेस जो बनवाया है, इससे बेहतर एक्सप्रेस वे पूरे इंडिया में कहीं। वाह 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 अखिलेश भैया की जय। ये देखिए गाइस, और गिन्नी को भी दिखाते जा रहे हैं। गिन्नी स्पाइसी है, बोलो अखिलेश भैया की जय। बोलो गिन्नी दोबारा से बोलो, ऐसे बोलो कहना अखिलेश भैया जी जय। वो अपने खाने में लगी रहती है। आप बाकी का मैं आप पास आते चले जा रहे हैं। देश के सबसे लंबे आगरा एक्सप्रेस, ये वाव कितनी अच्छी लग रही है इस पे देखो, फटीजा जैसा नहीं लग रहा है। ये देख गिन्नी, ये रात को बहुत अच्छी लगती है ना, रात को बहुत अच्छी लगती है। गिन्नी कैसा लग रहा है? गिन्नी गिन्नी की आवाज में भी चेंजिंग है यादव जी, उसको पता चल अच्छा देख लो, क्योंकि उसको पता है ना अब हम आ चुके हैं अपनी ठिया पे। क्या था क्या कह रही थे तो पहले ही हम लोग भैया नहीं बोल पा रही खेता। लल्ला मेरा बहुत मस्ती कर रहा है पीछे। ये देख गिन्नी, जय श्री राम जय श्री राम। बोलो गिन्नी जय श्री राम। देखो हम लोगों के साथ साथ चल रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ का कुछ मौसम, सारी गाड़ी एक्सीडेंट वाली है। अच्छा यादव जी मुझे लग रहा है यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है यार। यार अच्छा तो वाकई में यही लगता है यार, है मन खुश हो गया सही बताना, हुआ नहीं? अरे लखनऊ तो छोड़ो, यहीं से बस इतने में ही मन खुश होता है मेरा तो, लखनऊ में तो बस यही है यार। वो भी हो जाती है ना, अब देखना बिल्कुल सही हो जाएगी। कितना अच्छा लगा मौसम भी अच्छा शुरुआत, चलो भगवान ने अच्छी कर दी मौसम से। ऐसा ही मिलेगा मुझे तो ऐसा लग रहा है, हो सकता बारिश वारिश हो रही हो।
बहुत अच्छी लग रही है फिल्म। वाओ अभी कितना टाइम और लगेगा? अभी वन आवर। वन आवर नहीं है, बुलंदशहर की ये शॉप है। ये ऐसा लगता है शॉप ऐसी है यहाँ की, यादव जी ऐसा लगता है जैसे कि कोई मॉल है। ये भी अच्छी है शॉप। कितना टाइम लगेगा? अच्छा है वो चाउमीन नहीं दिख रहे, पहले अपना होम आ जाने दो। ये क्या है? अपोलो डॉक्टर के देखते जा, डॉक्टर बहुत जरूरी है। ये फ्लैट थे इधर ना, ये सब कुछ दिखा। ये देखो गिन्नी कितना अच्छा है ना, एग्जिट अराउंड चल लिया। अब अच्छा लग रहा है इसमें, हम जा पाते हैं। और ये पैर से चल इसको बोल तो रहा है बराबर गिन्नी दी। वाव बटरफ्लाई रे चाचा, ये देख कितना अच्छा लग रहा है ना। हम लोग 2 साल बाद आए हैं अब। अच्छा है वो, बहुत फेमस है। चाउमीन नहीं दिख रहे, पहले अपना होम आ जाने दो। ये क्या है? अपोलो डॉक्टर के देखते जा, डॉक्टर बहुत जरूरी है। ये फ्लैट थे इधर ना, बेटा ये वो नहीं है, बुलंदशहर की ये शॉप है। ये ऐसा लगता है शॉप ऐसी है यहाँ की, यादव जी ऐसा लगता है जैसे कि कोई मॉल है। ये भी अच्छी है शॉप। कितना टाइम लगेगा? और ये सब कुछ मैं चुकी हूँ घर में, तो ये न्यू होम। कैसा लगा आपको न्यू होम? और भी दिखाओ उधर का। क्या ना बाकी का रेडी करने के बाद मैं दिखाऊंगी, अभी मेरा होम तैयार नहीं हुआ है।